अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू। मेरे सलाम का जवाब मेरे सुन्नी सहीहुल अकीदा भाई बहनी दे। तो आइए, मैं हाफिज़ एहसान साहब का एक तकरीर लेकर आया हूँ, जो छोटी सी है मगर बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बताया है। आला हजरत का कितना एहसान है हम पर, हम सुन्नियों पर, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुअज्जज़ा है हमारे आला हजरत। उसके ताल्लुक़ से क्या क्या वहाबियों ने कैसा क्या किया था, ये सारी बातें हाफिज़ एहसान साहब बता रहे हैं, और आप लोग बगौर सुने और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें। सुनिए। तरफ से वहाबियों ने तीर शुरू कर दी, एक तरफ से देवबंदियों ने तीरंदाजी शुरू कर दी, एक तरफ से कादियानी ने शुरू कर दी, चारों तरफ से जब वार हुए, ईमान को लूटने की कोशिश की गई, तो अल्लाह ताला ने आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिदीन व मिल्लत परवाने शमे रिसालत इमाम इश्क़ व मोहब्बत इमाम शाह अहमद रज़ा खां फाज़िल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हुजूर अलैहि सलातु व सलाम के मौजज़ात में से एक मौजज़ा बनाकर भेजा, अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी बनाकर भेजा, मुजद्दिद वक्त बनाकर भेजा, और आला हजरत ने कुरान और हदीस की रोशनी में हमारे सामने वाज़े तौर से पेश कर दिया कि ये वहाबी कुरान को मिसकोट कर, बेशक सही बात। आला हजरत ने वाज़े तौर से पेश कर दिया कि उर्स मनाना इन बुजुर्गों से साबित, और मुर्दों का सुनना इन बुजुर्गों से हदीस की किताबों में साबित है, औलिया किराम की मदद करना औलिया किराम का ये भी कुरान और हदीस से साबित है। आला हजरत ने यही तो एहसान हम पर किया है, कोई नया दीन नहीं लाए तुम बरेलवियों को, यानी आला हजरत के मानने वाले को मुशरिक कहते हो इस बिना पर कि ये उर्स मनाते हैं, ये मीलाद मनाते हैं, ये वसीला लेते हैं, ये तवस्सुल लेते हैं, ये तवस्सुल के कायल है, ये बुजुर्गों से मदद लेते हैं। अरे तुम्हारे इमाम ने भी तो कहा कि मुर्दा दुआ करता है, तब क्यों तुमने फतवा नहीं लगाया? इब्ने तैमिया पर शिर्क का फतवा क्यों नहीं लगाया? सिर्फ आला हजरत को क्यों टारगेट करते हो? मतलब ये है, यहाँ बात वाजे हो चुकी कि आला हजरत ने चोर को चोर साबित करके दिखा दिया। अब तुमसे ये बर्दाश्त नहीं हुआ, तुम्हारी हकीकत जाहिर हो गई, तुमसे ये बर्दाश्त नहीं हुआ तो आला हजरत को बदनाम करने के लिए अपने बुजुर्गों की किताबों में जो ये अकायद साबित होते हैं उन हदीसों को तर्जुमे से हटा दिया और नई प्रिंट जो की सब मुख्तसर शॉर्ट वर्शन कर दी। इब्ने कसीर की भी शॉर्ट वर्शन आ गई, जलालैन की भी शॉर्ट वर्शन आ गई, मिश्कात शरीफ की भी शॉर्ट वर्शन आ गई, बुखारी की भी शॉर्ट वर्शन आ गई। अकाइद के ताल्लुक से जो हदीसें थी सबको निकाल दिया। अवाम को धोखा देते हो और कहते हो कि आला हजरत ये दीन लाए। अरे आला हजरत वही दीन लाए जो सहाबा किराम का दीन था। आला हजरत ने अल्हम्दुलिल्लाह वाज़े करके दिखाया। यही वजह है कि हम आला हजरत का शुक्र अदा करते, एहसान मानते। क्यों? किसी ने अगर मुसीबत में आपकी मदद की, या आप डूब रहे थे किसी ने हाथ देकर आपकी जान बचाई, मदद करने वाला अल्लाह है लेकिन अल्लाह ने इसको जरिया बनाया, बेशक जान बचाने वाला अल्लाह है लेकिन अल्लाह ने इसके जरिए आपकी जान बचाई। आप ये नहीं कह सकते कि इसके जरिए जान नहीं बची, इसलिए कि अल्लाह ने इसके जरिए तुम्हारी जान बचाई। तुम डूब रहे थे, आके हाथ दे दिया, अब तुम्हारे ऊपर ये जरूरी है, मल्लम यश्कुरिन नास लम यश्कुरिल्लाह, जिसने अपने मदद करने वाले का शुक्र अदा नहीं किया उसने अल्लाह का शुक्र अदा नहीं किया, जिसने जान बचाई, जिसने मुसीबत में तुम्हारी मदद की उसका शुक्रिया अदा करना जरूरी है। शुक्रिया अदा करोगे तभी अल्लाह का शुक्र अदा करना हुआ। और ईमान जान से भी बढ़कर है, परेशानियों से भी बढ़कर, परेशानी में नजात से भी बढ़कर और जान से भी बढ़कर ईमान है। इमाम अहमद रजा ने हमारा ईमान बचाया। यही वजह है कि आला हजरत की तारीफ हम करते हैं, मतलब शुक्राने के तौर पे उनकी नजरों नियाज करते हैं। उनके जो अकायद जो उन्होंने वाजे करके दिखाया अवाम को, हम इसीलिए पेश करते हैं कि अवाम पहचाने ये कोई नया दीन नहीं बल्कि वही बुजुर्गों का दीन है, वही सिरात मुस्तकीम है, जो गौसे आजम जिस रास्ते पर थे, गरीब नवाज जिस रास्ते पर थे, इमाम गजाली जिस रास्ते पर थे, शेख शहाबुद्दीन सुहरावर्दी जिस रास्ते पर थे, अहले बैत अतहार जिस रास्ते पर थे, सहाबा जिस तरीके पर थे, वही तरीका आला हजरत ने वाजे करके हमारे सामने पेश कर दिया। तो आप लोगों ने सुन लिया, हम लोग उसी तरीके पे है जो हमारे बुजुर्गाने दीन रहे हैं, और उसी तरीके पे हम लोग हमेशा रहेंगे इंशाल्लाह। और ये वहाबी देवबंदी जो सियाराब जी है, ये लोग हट गया है
और हम लोग इनसे ताल्लुकात नहीं रखे, हम लोग अपना जो हमारे बुजुर्ग चले आए हैं करते हुए उसी तरीके पर रहे, नमाज पढ़े, कायम करे, रोज़ा, हज, ज़कात ये सब अदा करे, जैसा हमारे बुजुर्गान दीन ने बताया है उसी तरह हम लोग चले, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमेशा दुरूद पढ़ते रहें। दुरूद का बहुत 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 फ़ायदा है। तो इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। जजाकल्लाह खैर।